हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डी कोड एग्जाम डिफेंस। मैं मिर्जा एहतिशाम बेग, आपका मैथ्स एजुकेटर। आज आपके साथ परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का सेकंड पार्ट डिस्कस करूंगा। जैसा मैंने आपको बोला था कि परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का पहला पार्ट मैंने एकदम बेसिक से समझाया था आपको, आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। अगर नहीं तो जहां पर नहीं समझ में आ रहा है, कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। ओके, तो चलिए आज हम डिस्कस करेंगे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का सेकंड पार्ट। उसमें कुछ अभी भी परम्यूटेशन के क्वेश्चंस बाकी रह गए हैं। सबसे ज्यादा जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जनरली परम्यूटेशन से ही पूछे जाते हैं। ओके, चलो आपका पहला सवाल देखिए, यहाँ पे समझिएगा। इससे पहले मैं आपको कुछ चीजें समझा देना चाहता हूँ। देखिये, यहाँ पर अब बात होने जा रही है किसकी, सर्कुलर परम्यूटेशन की। ये क्या होता है भाई सर्कुलर परम्यूटेशन? इट कैन आस्क्ड इन योर एग्जामिनेशन, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो भाई सर्कुलर परम्यूटेशन को समझिएगा यहाँ पर, कि सर्कुलर परम्यूटेशन क्या है कि आपको किसी, सपोज करिए आप लोग 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 लोग हैं और 8 लोगों को आपको सर्कुलर टेबल पर बैठाया जाए, एक गोल टेबल पर। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस सभी को याद होगी, हाँ, उसी हिसाब से आपको गोल टेबल यानी सर्कुलर फॉर्म में आपको बैठाया जाए। अब बात यह हो रही है सर्कुलर फॉर्म में जब आपको बैठाया जाएगा तो आप अरेंजमेंट कैसे करोगे? 8 लोग हैं, आप कहोगे कि शुरुआत कहाँ से करें? तो शुरुआत करने के लिए किसी ना किसी को आपको क्या करना पड़ेगा, यू हैव टू फिक्स समवन। यानी जब आपने एक बंदे को 8 लोगों में से फिक्स कर दिया तो आपके पास कितने बंदे बचे, 7। अब वो 7ों के लिए 7 प्लेसेस अवेलेबल है चाहे जहां पे बैठे। तो तरीका कितना हुआ, फैक्टोरियल 7। अगर 8 लोग हैं तो सिमिलरली अगर हम बोलें कि एन नंबर ऑफ पीपल हैं और उन्हें अरेंज करना है सर्कुलर फॉर्म में, तो वो अरेंज हो सकते हैं फैक्टोरियल n माइनस 1 वे में। डिड यू गेट दैट? तो आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा कि फैक्टोरियल n माइनस 1 वे में ये अरेंज किए जा सकते हैं। चलिए अब बात यहां पर आ रही है कि यहां पर अगर क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज का, यानी अगर रैंकिंग का सिस्टम डेवलप हुआ तो आपका अरेंजमेंट होगा 1/2 ऑफ फैक्टोरियल n माइनस 1। हमें थीसिस नहीं करनी इसमें, बस हमको यहां पे ध्यान रखना है रैंकिंग सिस्टम में ये होगा अक्सर। ठीक है, चलिए तो अब हम यहाँ पे इस क्वेश्चन को समझते हैं। कह रहा है 8 लोगों को इनवाइट किया गया एक बिजनेस मीटिंग में अंबानी के द्वारा, बहुत ही खतरनाक मीटिंग होगी। वेयर द होस्ट बी सीटेड एट अ सर्कुलर टेबल, बहुत अच्छे। हाउ मेनी डिफरेंट अरेंजमेंट्स आर पॉसिबल इफ टू इनवाइटीज सहारा एंड महिंद्रा बी सीटेड ऑन आइदर साइड ऑफ द होस्ट अंबानी, यानी होस्ट अंबानी के इर्द गिर्द बैठेंगे। तो यहाँ से एक चीज क्लियर है भाई, 9 लोगों को अंबानी ने बुलाया तो 9+1 कुल कितने हो गए, 10। 10 लोग कहाँ बैठेंगे, इस सर्कुलर टेबल पर, जिसमें 3 लोग साथ में बैठेंगे, उनका नाम है अंबानी, सहारा महिंद्रा और महिंद्रा सहारा। मैंने ऐसा क्यों रखा इसको, क्योंकि अंबानी का प्लेस फिक्स है पर महिंद्रा और सहारा का प्लेस फिक्स नहीं। उनके प्लेसेस की जगहें पता है कौन कौन सी है, बट ऑल्टरनेट है। तो यहाँ पर हम पहले एक काम करते हैं, हम इन तीनों को एक साथ मान लेते हैं। अगर ये 3 एक साथ हो गए, यानी अंबानी महिंद्रा सहारा, सहारा महिंद्रा, ठीक है, बाकी 3 में से अब कितने गए, 10 में से 3 गए तो कितने बचे, 7, यानी 7 लोग आपके पास बचे। अब आप खुद सोचिए, अगर 7 लोग बचे हैं, अभी यहाँ पे गौर से समझिएगा, ऐसा नहीं कि ये नहीं बैठेंगे सर्कुलर फॉर्म में, ये बैठेंगे पर हम इनको क्या मान चुके हैं, 1। तो अगर ये 1 हो गए तो 7+1 कुल कितने हो गए हमारे पास, 8। अब मैंने आपको बताया था 8 लोग अगर सर्कुलर फॉर्म में बिठाए जा रहे हैं तो अरेंजमेंट क्या होगा, फैक्टोरियल 7। अब आपके दिमाग में आया फैक्टोरियल 7 हो गया, अब ये बाकी सहारा अंबानी और महिंद्रा का क्या करें। तो भाई देखो, अंबानी का प्लेस तो फिक्स है कि वो बैठेगा इन दोनों के बीच में, अब सहारा और महिंद्रा कहाँ बैठेंगे ये नहीं पता। तो सहारा और महिंद्रा के लिए 2 जगहें निकली, या तो सहारा यहाँ पे होगा या यहाँ पर होगा, या तो महिंद्रा यहाँ पे होगा या यहाँ पर होगा, तो आइदर साइड ऑफ देम कैन सिट। तो यहाँ पे समझने की जरूरत है कि जो टोटल अरेंजमेंट होगा आपका वो क्या होगा भाई, फैक्टोरियल 7 × 2, और ये होता है 5040 × 2 यानी 10,080। दैट्स योर करेक्ट आंसर, 10,080, ए वाला ऑप्शन करेक्ट है। तो इस तरीके से आपको क्या करना है, सॉल्व करना है। चलिए अगला सवाल, इन हाउ मेनी वेज कैन अ पर्सन सेंड एन, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आपको मैं समझाने के लिए ही जानबूझ कर लेके आया हूँ, क्योंकि इस तरीके के सवाल अक्सर आपके पूछ लिए जाते हैं। ठीक है,
अब ये कह रहा है इन हाउ मेनी वेज कैन अ पर्सन सेंड इनविटेशन कार्ड्स टू सिक्स ऑफ हिज फ्रेंड्स इफ ही हैज फोर सर्वेंट टू डिस्ट्रीब्यूट। अब खुद सोचो, इनविटेशन किसको जाना है? छह दोस्तों को। कौन लेके जाएगा? नौकर लेके जाएगा। कितने नौकर हैं? चार नौकर हैं। अब देखो कितने फ्रेंड्स हैं, फ्रेंड वन, फ्रेंड टू, चलो मैं यहाँ पर नहीं, इसको यहाँ पे सॉल्व कर देता हूँ, ठीक है। देखो बहुत बहुत बेसिक तरीके से सोचा करो, यहाँ पे क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन लिखा है इन हाउ मेनी वेज कैन अ पर्सन सेंड इनविटेशन, तो यहाँ पे हम भेज रहे हैं किसके पास? फ्रेंड्स के पास। स्टेशनरी कौन है? फ्रेंड्स है। कौन लेके जा रहा है? सर्वेंट। तो यहाँ पे देखो सर्वेंट जाएगा, सर्वेंट वन, सर्वेंट टू, सर्वेंट थ्री, सर्वेंट फोर। किसके पास? फ्रेंड वन, फ्रेंड टू, फ्रेंड थ्री, फ्रेंड फोर, फ्रेंड फाइव, फ्रेंड सिक्स। अब आप खुद सोचो कौन सा सर्वेंट किसके पास जा रहा है? नहीं पता। एक पॉसिबिलिटी है कि चारों सर्वेंट जाएंगे पहले दोस्त के पास या दूसरे दोस्त के पास, तीसरे, या नहीं होगा, सभी के पास जाना है। तो यहाँ पे समझिएगा, या नहीं होगा, चारों सर्वेंट। भाई देखो अब यहाँ पे हो सकता है या तो सर्वेंट वन जाएगा, या तो सर्वेंट टू जाएगा, या सर्वेंट थ्री जाएगा, या सर्वेंट फोर जाएगा। तो एक फ्रेंड के पास कितने पॉसिबल वेज हुए इनविटेशन पहुंचने के? चार। अगर एक के पास चार पॉसिबल वेज हैं तो दूसरे के पास भी चार होंगे, सबके पास चार चार वेज निकल कर आएंगे। देखो तीन तीन छः हो ना, ज्यादा तो नहीं हो गया? हाँ ज्यादा हो गया, ये हो जाएगा आपका तीन तीन छः, यानी कुल मिला के फोर इंटू फोर इंटू फोर इंटू फोर इंटू फोर इंटू फोर, यानी कुल कितना हो गया भाई? फोर टू दी पावर सिक्स, देख लेना, काउंट कर लेना। तो आपका आंसर क्या हुआ? फोर टू दी पावर सिक्स। कन्फ्यूज करने के लिए देखो क्या लिखा हुआ, सिक्स टू दी पावर फोर। ऐसा इसलिए क्योंकि जब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो आप यही करेंगे, हम बस क्वेश्चन को जितना पढ़ेंगे उतना ही टैकल करेंगे, ठीक है। अगला सवाल, अब ये नंबर्स वाला है, डिजिट वाला सवाल समझिएगा। डिजिट वाले सवाल में आपको एक चीज ध्यान रखनी है भाई, देखिए डिजिट वाले सवाल में आपको बहुत ध्यान से करना है। क्या ध्यान से करना है? कि वहां पर आपको एक चीज, जैसे मैं अगर बेसिक एग्जांपल दूं, सपोज करो तीन डिजिट का नंबर आप अरेंज कर रहे हो, कितने तरीके से अरेंज कर सकते हो? जीरो से पांच डिजिट के साथ। आप कहोगे आपके पास छह डिजिट है, पहले वाले पे छह आएगा, विच वुड बी रॉन्ग। पहले वाले पे छह डिजिट अवेलेबल हो सकती है, गलत है, क्योंकि जीरो ऑलरेडी डिवाइड है। अगर जीरो को यहां पे रखा तो ये तीन नहीं दो डिजिट कहलाएगा। इस बात का आपको ध्यान रखना है, बहुत ध्यान से समझिएगा। पहले पे पांच, अगले पे फिर पांच, क्यों? क्योंकि अब छह में से एक जा चुका है तो बचा पांच, अब चार, तो 25 चौक 100, यानी 100 तरीके से तीन डिजिट का नंबर जीरो से पांच की डिजिट के साथ बनाया जा सकता है, ओके। अगर यहां पे कह देता कि डिजिट्स आपकी क्या हो? रिपीटिशन में हो। रिपीटिशन का मतलब समझिए, यानी पहले, तब भी पहले प्लेस पे आपके पांच ही आएंगे, पर अगले प्लेस से आपके छह छह, तो 36 पंजे 180, तो 180 वेज निकलेंगे। छः छः इसलिए आया क्योंकि आपकी सारी डिजिट्स रिपीट हो सकती हैं, पर हाँ पहली प्लेस पे अभी भी जीरो डिवाइड है, क्योंकि अगर आपने जीरो रखा तो वहां पर आपको दिक्कत हो जाएगी। तो यहां पर इस सवाल को अगर हम देखें तो इस सवाल को कैसे करेंगे, बहुत ध्यान से समझिएगा, ये सिर्फ कॉन्सेप्ट समझाने के लिए था। पहले सवाल को देखिए जरा, कैसे आप अरेंज करोगे। कह रहा है इन हाउ मेनी वे, इन हाउ मेनी नंबर्स बिटवीन 2000 एंड 3000 Can be formed with the digits 0 to 7. कितने? 2000 से 3000. तो कितने डिजिट का होगा? चार डिजिट का होगा। चार डिजिट का हुआ तो इसका मतलब है 0 से 7 रिपीटेशन नहीं अलाउ है। देखो क्लियरली मेंशन, रिपीटेशन इज नॉट अलाउड। चलो जहां मेंशन नहीं वहां पे अलाउड कर लेना। अच्छा एक चीज तय है कि आपका जो नंबर होगा उसकी रेंज होगी 2000 से 3000 के बीच में, यानी होगा यहाँ पे 2 समथिंग होगा, है ना। तो इसका मतलब है यहाँ पे एक डिजिट फिक्स है, दो। अगर दो फिक्स है तो उसकी पॉसिबिलिटी क्या होगी? वन। अगर ये वन हुआ तो यहाँ पे जीरो से सात में से एक जा चुका है। अब एक जा चुका है, अब उसके बाद चाहे जो भी डिजिट आए, यानी आपके आठ में से एक गया तो कितनी डिजिट बची? सात। तो यहाँ पे सात वेज, फिर छः, फिर पाँच, तो छः पंजे तीस, सात, 210। तो यहाँ पे आपका आंसर कौन सा हुआ? बी वाला। बात समझे? बहुत ही आसान तरीके से करेंगे हम, 2000 से 3000 के बीच में, ठीक है। चलो अगला सवाल, ये बहुत ही अच्छा सवाल है, ये बहुत अच्छा सवाल है। कैसे इसको अटेम्प्ट करोगे? देखो हाउ मेनी नंबर्स बिटवीन 200 एंड 1200 कैन बी फॉर्म्ड विद द डिजिट्स 0 1 2 3, रिपीटिशन नॉट अलाउड, ओके, यानी बहुत कम ही नंबर होंगे। देखो एक चीज यहाँ पे गौर करो कि 2000 200 से
1200, 200 से 1200, इसका मतलब समझे, आइदर थ्री डिजिट नंबर विल कम और फोर डिजिट नंबर विल कम। यहां पे अब बात हो गई तीन या दो, तीन या चार डिजिट की। तो पहले हम करते हैं तीन डिजिट का इस्तेमाल। तो तीन डिजिट में अब आप खुद समझिए, तीन डिजिट में अगर आप देखें तो 0, 1, 2, 3, ये तीन, ये आपके चार डिजिट्स अवेलेबल हैं। पर इसमें आप इस्तेमाल कौन सा नहीं कर पाओगे, 0 और 1 नहीं कर पाओगे। क्यों? क्योंकि स्टार्टिंग कहाँ से, 200। तो यहाँ पे 200 के ऊपर वाले सब हो सकते हैं, 200 भी हो सकता है, तो यहाँ पे दो बेस निकल कर आए। अब अगर चार में से एक आपकी डिजिट गई तो अब यहाँ पे कोई भी हो सकता है, बची कितनी, 3। फिर उसके बाद एक और गई तो बची कितनी, 2। यानी 2 × 3 × 2 यानी कुल कितने हो गए बेस, 12। अगर आप तीन डिजिट की संख्या बना रहे हैं 0 से 4, 0 से 3 डिजिट का इस्तेमाल करके, तो आपके 12 वेज होंगे। या का साइन होता है प्लस। अब जरा गौर से देखो, इसकी रेंज कहां तक है, 1200 तक की, यानी ये 1200 से ऊपर नहीं जाएगा। तो इसका मतलब है यहां पे एक डिजिट फिक्स है, कौन सी, 1, और उसकी संभावना भी क्या हो जाएगी, 1। तो अगर एक डिजिट फिक्स है तो अब आप कहोगे कि ठीक है 1100 समथिंग तो हो सकता है, लेकिन 1100 भी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि रिपीटिशन अलाउ नहीं है। तो रिपीटिशन अगर नहीं अलाउ है तो यहाँ पे अब 2 आ सकता है क्या, नहीं, यहाँ पे 2 नहीं आ सकता, यहाँ पे 3 नहीं आ सकता, यहाँ पे 1 नहीं आ सकता, तो एक ही बचा 0, 0 आ सकता है, यानी उसकी संभावना क्या हुई, 1। हम यहाँ पे पॉसिबिलिटी लगा रहे हैं, यहाँ पे 0 डिजिट आ सकती है, 0 डिजिट यानी एक ही पॉसिबल केस। अब भाई खत्म यहाँ पे, अब यहाँ पे कोई सी भी आएगी, भाई 4 में से 2 जा चुके हैं तो बचे 2, फिर 1, यानी यहाँ पे कितने वेज निकल कर आए, 2, 2 × 1 × 1 × 1, यानी या तो 12 वेज या 2 वेज, यानी कुल मिला के कुल कितने, 14 वेज। तो आपका ऑप्शन कौन सा करेक्ट हुआ, डी वाला। इट वॉज अ वेरी वेरी गुड क्वेश्चन। आई होप आप सभी को समझ में आ रहा होगा, एंजॉय कर रहे होंगे। अगर समझ में आ रहा है तो भाई लाइक शेयर कमेंट जरूर करते रहिए, क्योंकि हम इतनी मेहनत किसके लिए कर रहे हैं, आपके लिए। इस बार आपको किसी ना किसी तरीके से, बस ये चीज ध्यान रखिए, इस बार आपकी ट्रेनिंग होनी चाहिए अच्छे से, ठीक है। चलो अगला सवाल देखो। अब ये सवाल भी इजी है, देखिए क्या कह रहा है, इन हाउ मेनी डिफरेंट वेज कैन द नंबर्स टू ये समथिंग, ठीक है, बी अरेंज्ड यूजिंग ईच डिजिट ओनली वंस इन अरेंजमेंट सच दैट द डिजिट 6 और 5 आर एट द एक्सट्रीम एंड्स इन ईच अरेंजमेंट। यानी सिंपल सी बोल रहा है बात की, देखो जरा गौर से, कितने डिजिट हैं, 3, 3, 6 डिजिट में से 6 और 5 एक्सट्रीम एंड पे होंगी। एक्सट्रीम एंड पे बोला, ये नहीं बोला है कि किस एंड पे होंगे, बहुत ध्यान से समझिएगा। आइदर 6 विल बी इन द राइट साइड और लेफ्ट साइड एज सिमिलर टू 5, यानी इसका मतलब है इन दोनों के 2 वेज होंगे, और इनके कितने वेज हुए, फैक्टोरियल 4, क्योंकि 6 में से 2 गया तो बचे कितने, 4, तो ये कितना हो गया, 24, 24 × 48, आंसर कितना हुआ, 48। इट वॉज अ क्लियरली वेरी गुड क्वेश्चन। अगला सवाल, ये सवाल बहुत अच्छा है, देखो कह रहा है, हाउ मेनी सिक्स डिजिट्स नंबर्स हैव ऑल देयर डिजिट्स आइदर ऑल ऑड और इवन। तो यहाँ पे सारी डिजिट्स अवेलेबल है, 6 डिजिट का नंबर है, 6 डिजिट का नंबर है, सभी अवेलेबल हैं, तो कैसे करोगे भाई। यहाँ पे आप खुद सोचो, 0 से लेकर 9 डिजिट तक के अवेलेबल हैं। अब आपको पता है 0, 2, 4, 6, 8 ये इवन हुआ, 1, 3, 5, 7, 9 ये आपका क्या हुआ, ऑड हुआ, तो ऑड आपके कितने हुए, 5। तो इसका मतलब है रिपीटिशन की रिस्ट्रिक्शन कहीं नहीं है, इसका मतलब रिपीटिशन अलाउ है। तो यहाँ पे 5 तरीके, पहली डिजिट में 5 तरीके, दूसरे डिजिट पे 5, 5, 5, 5, 5, 5, यानी अगर ऑड आया तो आइदर और आइदर ऑल ऑड, यानी 5 to the power 6, या ऑल इवन। अब इवन में एक थोड़ी सी सिचुएशन है, यहाँ पे आप जल्दी में कर जाएंगे और वहां पे भी 5 मार देंगे, कहेंगे ये भी तो 5 है, पर ऐसा नहीं होगा। देखो यहाँ पे इवन में एक 0 भी आ रहा है, इसका मतलब है पहला प्लेस आपका 4 देगा, पॉसिबल केसेस 4 डिजिट्स ही सिर्फ अवेलेबल हैं, अगले से आप 5, 5, 5, 5, 5 अवेलेबल है, यानी या तो 4 × 5 to the power कितना, 5। तो जब आप कॉमन लोगे 5 to the power 5 और यहाँ पे 5 + 4 बचा, तो यहाँ पे हो जाएगा 5 to the power 5 × 9, यानी जब आप इसे सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आएगा 28152। ये तरीका है क्वेश्चन को सॉल्व करने का, देखा कितने चुटकियों में कर लिया हमने। अगला सवाल,
ये देखो ये सवाल कह रहा है कि दो गर्ल्स, इस तरीके के सवाल बहुत पूछे जाते हैं, दो गर्ल और चार बॉयज आर टू बी सीटेड इन अ रो इन सच अ वे दैट द गर्ल्स डू नॉट सिट टुगेदर, इन हाउ मेनी वेज, इन हाउ मेनी डिफरेंट वेज कैन इट बी डन। वो साफ साफ बोल रहा है कि लड़कियां साथ में नहीं बैठेंगी, यानी अलग अलग बैठेंगी। तो अब जरा गौर से देखो, यहाँ पे छह प्लेसेस हैं, ठीक है, छह प्लेसेस में से चार लड़के हैं और दो लड़कियां, लड़कियां साथ में नहीं बैठेंगी। हो सकता है गर्ल्स यहां यहां हो, हो सकता है यहाँ और यहाँ हो, हो सकता है यहाँ यहाँ हो, हो सकता है यहाँ यहाँ हो, भाई। तो इसके साथ कई अरेंजमेंट बनेंगे, तो बहुत सारे पॉसिबल केसेस आपके बनने लगेंगे। अब इसको हम क्या करें, तो टोटल अरेंजमेंट का फॉर्मूला लगाइए ना, सिंपल सी बात है। टोटल अरेंजमेंट क्या कहता है, ऑलवेज टुगेदर प्लस नेवर टुगेदर, यही होता है ना टोटल अरेंजमेंट। तो अगर हम यहाँ से, हमें क्या कह रहा है, नेवर टुगेदर वाला चाहिए ना, तो नेवर टुगेदर का मतलब है हम टोटल अरेंजमेंट माइनस ऑलवेज टुगेदर को घटा दें, ठीक, तो हमें नेवर वाला मिल जाएगा। अब टोटल अरेंजमेंट क्या है भाई, जरा गौर से देखिए, टोटल अरेंजमेंट है आपका छह लोग हैं फैक्टोरियल सिक्स, कैसे भी बैठे उससे हमें मतलब नहीं। अब ऑलवेज टुगेदर, टुगेदर का मतलब समझो गर्ल्स साथ में, तो बॉयज अपने साथ में, है ना, तो ये कितना हो गया, ये तो तरीके फैक्टोरियल फोर हो गया और ये तरीका फैक्टोरियल टू। बस इसको आप सॉल्व कर लीजिए, यानी 720 माइनस 48, तो गौर से देखिए यहाँ पे हम इसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं भाई। टोटल यहाँ पे क्या कह रहा है, हाँ, डू नॉट सिट टुगेदर इन हाउ मेनी डिफरेंट वेज कैन इट बी डन। तो चलिए यहाँ पर हम देखते हैं टोटल, भाई जरा गौर से देखो यहाँ पे कितने तरीके से हो सकता है, भाई छः लोग हैं ना, जरा गौर से देखिए, टू गर्ल्स ऑलवेज, टू गर्ल्स एंड फोर बॉयज, ठीक है। तो अगर हम इसको देखें, ये अगर ऑलवेज सिट हो रहा है तो यहाँ पे इसको कैसे होगा, जरा गौर से देखिए, मेरे ख्याल से ये आपका फैक्टोरियल फाइव हो जाएगा। रुको भाई, गर्ल्स एक साथ बैठ रही तो उसको एक मानोगे ना, तो बॉयज चार हैं तो चार प्लस एक कितना हो गया, पाँच हो गया, यहाँ पे फैक्टोरियल फाइव होगा। इसको सही कर लीजिए बस, फैक्टोरियल फाइव, यानी अगर आप देखें यहाँ पे, तो छः को अगर आप फैक्टोरियल फाइव कॉमन ले लें, तो छः माइनस दो यानी 120 गुणे चार यानी कितना 480, बस ये था, बस थोड़ा सा स्लाइटली सा करेक्शन था। यहाँ पे हमने क्या बॉयज़ और गर्ल्स को अलग अलग मान लिया है, ये बात ध्यान रखिए। तो आपका आंसर कौन सा हुआ, 480 हो जाएगा, ठीक। आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। अगला सवाल देखते हैं, अगला सवाल आपका एनडीए का सवाल है और बहुत ही अच्छा सवाल है। इससे पहले मैं आपको यहाँ पर, ये यहाँ पे कॉम्बिनेशन का रूल लगेगा, तो चलिए कॉम्बिनेशन समझा देता हूँ क्या कह रहा है, उससे समझ लीजिए। कॉम्बिनेशन समझिए कैसे आपको लगेगा। कॉम्बिनेशन क्या होता है भाई, सिलेक्शन होता है, ठीक है। कॉम्बिनेशन का मतलब आपका सिलेक्शन, यानी आप सेलेक्ट करने जा रहे हैं, तो सेलेक्ट जब करेंगे तो यहां पे समझिए ए बी और सी, ठीक है, ए बी और सी तीन लेटर हैं, तीन में से दो को आपको सेलेक्ट करना है। कैसे सेलेक्ट करोगे, आइदर ए बी कैन कम, बी सी कैन कम, सी ए कैन कम, ओके, ये आपके आ सकते हैं, ओके, ठीक है। अब यहां पे एक चीज बहुत ध्यान से समझना कि यहां पे प्लेस वैल्यू जो होती है, प्लेस वैल्यू जो होती है वो मैटर नहीं करती है, प्लेस वैल्यू मैटर नहीं करती है। तो यहाँ पे समझने की जरूरत है आपको कि यहाँ पे प्लेस वैल्यू मैटर नहीं करती। जब प्लेस वैल्यू मैटर नहीं करती तो तीन ही वेज हुए, बस खत्म, कहानी। यहाँ पे या तो ए बी आएगा या बी सी आएगा या सी ए आएगा, ठीक है। यहाँ पे प्लेस वैल्यू मैटर नहीं, ये मत कहना कि ए बी ले लिया तो कहोगे कि बी ए, वी आर नॉट अरेंजिंग, वी आर जस्ट सेलेक्टिंग, ओके, ये बस ध्यान रखना। तो इसका आपने एक रट्टा मार के रखा है फॉर्मूला, वो होता है एन सी आर, यानी फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल r इंटू फैक्टोरियल n माइनस r। यानी अगर हम देखें तो तीन लेटर थे, तीन में से दो को आपको सेलेक्ट करना है, तो फैक्टोरियल 3 अपॉन फैक्टोरियल 2 इंटू फैक्टोरियल 1, यानी 3 डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल 2 इंटू फैक्टोरियल 2, यानी इसके कितने वेज निकल कर आए, 3 वेज निकल कर आए। तो ये बात आपको बहुत ध्यान से समझनी है कि सिलेक्शन में ये चीज़ें होती हैं। अब सिलेक्शन का सबसे ज्यादा इस्तेमाल कहां पर होता है, सबसे ज्यादा इस्तेमाल आपका होता है प्रोबेबिलिटी, क्योंकि वहां पे सिलेक्शन हमें करना होता है भाई।
हम क्या कर रहे हैं कि बॉल्स या मार्बल्स या कार्ड्स, ये सारी चीज़ों का सिलेक्शन करते हैं। और सबसे ज़्यादा इस्तेमाल इसका कहाँ होता है? प्रॉबेबिलिटी में होता है। जब मैं पढ़ाऊँगा तो बहुत अच्छे से आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी, ठीक है? तो चलिए अब हम इस क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और देखते हैं ये क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है। कह रहा है फ्रॉम 6 प्रोग्रामर्स एंड 4 टाइपिस्ट एन ऑफिस वॉन्ट्स टू क्रिएट रिक्रूट 5 पीपल, यानी 10 लोग, मोटी मोटी बात समझो, 10 में से 5 को सेलेक्ट कर रहे हैं, ठीक है? सेलेक्ट करना है, बहुत ध्यान से समझना। व्हाट इज द नंबर ऑफ वेज दिस कैन बी डन सो एज टू रिक्रूट एटलीस्ट 1 टाइपिस्ट। इसका मतलब टाइपिस्ट हमेशा रहेगा, है ना, यानी ऑलवेज टाइपिस्ट रहेगा। तो हम एक काम करें, अगर हमें ऑलवेज टाइपिस्ट चाहिए तो हमारे पास कौन सी एक सिचुएशन नहीं होगी? नन वाली नहीं होगी। अब यहाँ पे आप कई तरीके बनाओगे, केसेस बनाओगे, कॉम्बिनेशन कैसे बनाओगे? कहोगे कि एटलीस्ट एक टाइपिस्ट होगा तो बाकी सारे क्या होंगे? प्रोग्रामर्स होंगे या जो भी होंगे। फिर 2 टाइपिस्ट होगा, 3 होगा, 4 होगा, उसके बाद 4 टाइपिस्ट है तो चारों टाइपिस्ट हो सकते हैं, बस इससे ज्यादा नहीं। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, हमें इसको कैसे करना है, बहुत ध्यान से समझो। देखिए हमें इसको कैसे करना है, हम इसको करेंगे कि आपके 5 लोगों को सेलेक्ट करना है। तो हम यहाँ पे वही टोटल अरेंजमेंट वाला मेथड लगाएंगे, टोटल अरेंजमेंट माइनस नेवर कम टुगेदर, नेवर टाइपिस्ट, टाइपिस्ट कभी ना हो। तो भाई देखो यहाँ पे सिलेक्शन हो रहा है, बहुत ध्यान से समझना। टोटल अरेंजमेंट का मतलब है कुल लोगों में से कुल सिलेक्शन, तो 10 लोग 5 का सिलेक्शन, ठीक। अब वो 5 में से टाइपिस्ट नहीं होने चाहिए, तो टाइपिस्ट को हटा दो, कितने टाइपिस्ट हट गए? 4 हट गए, तो यहाँ पे कितने बचे? देखो नंबर ऑफ वेज दिस कैन बी डन, ठीक है, तो यहाँ पे हो गया 6 में से आप कितने सेलेक्ट करने हैं आपको? भाई जरा गौर से देखिए, 6 में से आपको कितने सेलेक्ट करने हैं? 5। बस आपका काम बन गया। देखो फैक्टोरियल 10 अपॉन फैक्टोरियल 5 इंटू फैक्टोरियल 5 माइनस 6, यही तो होगा क्योंकि उसकी वैल्यू 6 ही आएगी, ठीक है। अब यहाँ पे समझो ये कितना हो जाएगा, 10 × 9 × 8 × 7 डिवाइड बाय 5, यानी 120 हो जाएगा, सॉरी 6 भी होगा। तो जरा गौर से देखो, 60 × 2 = 4 यानी 9 × 36 और 7 को गुणा करो, 7 × 6 = 42 7 × 21 = 4 7 × 21 = 4 25 252 में से 6 गया, 246। आपका ऑप्शन कौन सा सही? सी वाला। कितना आसान सवाल था, मेरे ख्याल से मैंने आपको सबको कराया हुआ है इस टाइप के सवाल, ठीक है। तो यहाँ पे समझते रहिए, क्वेश्चन देखिए आपके सामने दे भी दिया, लेवल भी किस तरीके से, तो लेवल चाहे जैसा हो परेशान होने की जरूरत नहीं है, ओके भाई। अगर पसंद आ रहा हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करते रहिए, और जहाँ डाउट हो वहाँ पे आप मुझसे पूछ सकते हैं, यू कैन आस्क मी एनीथिंग, ठीक है। बहुत जल्दी मैं एक लाइव सेशन करूंगा जिसमें मैं पूछूंगा आस्क मी एनीथिंग, कुछ भी, तो आप मुझे कमेंट करके बताते रहिए। देखिए जो मेहनत कर रहे हैं आप ही के लिए कर रहे हैं, बाकी आपकी मर्जी है, पढ़ना आपको जिससे भी है पढ़ सकते हैं, यू आर फ्री टू डू दैट, ओके। अगला सवाल कह रहा है इफ देयर आर 11 प्लेयर्स इन अ क्रिकेट टीम ऑल ऑफ होम शेक हैंड्स विद ईच अदर वंस, हाउ मेनी शेक हैंड्स टेक प्लेस। चलो इसको एक बहुत बेहतरीन तरीके से समझाता हूँ, देखिए यहाँ पे समझिएगा, मान लीजिए 4 लोग हैं, शेक हैंड वाले क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं, 4 लोग हैं, 4 लोग आपस में हाथ मिलाएंगे कैसे? पहले वाले जनाब कहेंगे कि हम 3 लोगों से हाथ मिला सकते हैं बस। भाई देखो एक बात समझो, हाथ ऐसे मिलाया का मतलब ये नहीं कि आप दूसरा वाला भी हाथ पकड़ लो, ये करने कोशिश मत करना, ठीक है। सिंपल सी हिसाब है, एक आदमी बाकी 3 से मिला सकता है हाथ। अब एक बार बताओ, इसने इसके साथ हाथ मिला लिया, अब ये वाले के लिए कितने लोग बचे? 2 ही लोग बचे, तो इसके लिए और एक कम बचा, तो इसका जरा गौर से देखो, फर्स्ट का 3, सेकंड का 2 और फिर 1, इसके लिए कोई हाथ शेक करने का वही नहीं बचा, ठीक है। तो कुल 6 वेज हुए। तो हम यहाँ पे इसका सिंपल सा हिसाब देखते हैं, हमारे पास एक सिंपल सा फॉर्मूला होता है, एन नंबर ऑफ लोगों में से हैंड शेक के लिए कितने लोग चाहिए होते हैं? सिर्फ 2, एन सी 2, सिंपल कहानी। तो यहाँ पे देखिए 11 लोग हैं, 11C2 यानी फैक्टोरियल 11 अपॉन फैक्टोरियल 9 इंटू फैक्टोरियल 2, यानी अगर आप देखें तो 11 × 10/2 यानी कितने हैंडशेक पॉसिबल है? 55। अगर 11 लोग हैं तो 55 हैंडशेक पॉसिबल है, ये बात ध्यान रखना, ठीक है। इसको एक और बोल सकते हो NN-1/2, सिंपल। अगला सवाल कह रहा है 8 कॉन्सोनेंट, ओहो बच गया, 8 कॉन्सोनेंट और 5 वोवेल हैं इन अ जंबल वर्ड, इन हाउ मेनी वेज कैन वी फॉर्म 5 लेटर वर्ड्स हैविंग 3 कॉन्सोनेंट एंड 2 वोवेल्स। बहुत ध्यान से समझो, क्वेश्चन पूछ कुछ और रहा है, आप दिक्कत में आ जाओगे। देखो 8 कॉन्सोनेंट
वॉवल कितने? पांच। पहले तो आपको ये चीज ध्यान रखिए कि पांच लेटर सेलेक्ट करने हैं, जिसमें से तीन क्या होंगे? कॉन्सोनेंट होंगे। तो 8C3 5C2 पांच लेटर हो गए भाई, एंड होगा, एंड का साइन ये होता है। लेटर तो सेलेक्ट कर लिए, लेकिन आपसे कह रहा हाउ मेनी वेज कैन बी फॉर्म फाइव लेटर वर्ड्स। अब हमें लेटर वर्ड्स भी तो बनाने हैं, यानी वो पांचों आपस में शफल भी करेंगे। तो अब आप इसको सॉल्व करिए, क्या होगा? 8×7×6/6×5×4/2×5। ठीक है, अब यहाँ पे आप जब सॉल्व करेंगे तो आपको आसानी से सॉल्व हो जाएगा। यहाँ पर आपका आंसर आना चाहिए 67200। ठीक है, सिर्फ सॉल्यूशन की बात है। चलिए अगला सवाल, ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है, चलिए देखते हैं। कह रहा है हाउ मेनी बैटिंग ऑर्डर्स आर पॉसिबल फॉर द इंडियन क्रिकेट टीम। बहुत बढ़िया, क्रिकेट बहुत दिन से नहीं देखा ना। इफ देयर इज अ स्क्वाड ऑफ 15 टू चूज फ्रॉम सच दैट, अच्छा सचिन तेंदुलकर भाई साहब हमेशा चोजन है, बहुत ध्यान से समझना। तो सिंपल से देखो, जैसा क्वेश्चन बोल रहा है वैसे ही हम पकड़ेंगे। 15 लोग सेलेक्ट करना है, 11 भाई, स्क्वाड 11 का ही होता है, जिसमें से एक भाई साहब ऑलरेडी सेलेक्टेड है तो एक गया। अब बचे कितने? 14 लोग, सिलेक्शन भी ऐसे भी एक गया, कितने बचे? 10। तो यहां पे सिलेक्शन होगा 14C10। लेकिन क्या सचिन तेंदुलकर का, देखो मैं हमसे पूछा गया है हाउ मेनी बैटिंग ऑर्डर्स आर पॉसिबल, क्या हमारा बैटिंग ऑर्डर पॉसिबल है? सचिन तेंदुलकर कहां बैठेंगे, कहां खेलेंगे? नहीं। तो यहां पे आपके कितने वेज हुए बैटिंग ऑर्डर पे? फैक्टोरियल 11। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका ऑप्शन ए वाला करेक्ट आएगा, ये बात ध्यान रखिएगा। फैक्टोरियल 11 निकालने की वैल्यू की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहां पे देखो दिया हुआ है फैक्टोरियल 11। चलो अब ये सवाल देखिए, इसमें मैंने ऑप्शन नहीं रखा है जानबूझ के, उसका रीजन है अभी देखिएगा। देयर इज अ 7-डिजिट टेलीफोन नंबर विद ऑल द डिफरेंट डिजिट्स। पहले ही उसने बोल दिया है सभी डिजिट्स डिफरेंट होंगी। इफ द डिजिट एट एक्सट्रीम राइट एंड एक्सट्रीम लेफ्ट आर 5 and 6 रिस्पेक्टिवली, ठीक है 5 and 6 रिस्पेक्टिवली, फाइंड हाउ मेनी सच टेलीफोन नंबर्स आर पॉसिबल। अच्छा चलो देखते हैं, 7 डिजिट का, 1 2 3 4 5 6 7 डिजिट का टेलीफोन नंबर है, 7 डिजिट का टेलीफोन नंबर है, और आपके पास डिजिट्स अवेलेबल हैं 0 से 9 तक के, 10। और एक सीधा सा बोल दिया है कि एक्सट्रीम राइट और लेफ्ट पे, यानी फिक्स्ड है जगह। तो राइट हम मान लेते हैं ये है भाई, ठीक है, और लेफ्ट आपका ये है, ठीक, ये दोनों फिक्स हैं, तो इनके संभावनाएं तो ये हो गई। अब आपके पास भाई खुद समझो, अब ये मत सोचना कि आपके पास पांच बचे तो फैक्टोरियल 5 दे दिया, नहीं, अभी पहले आपको वो पांच लेटर सेलेक्ट करने होंगे। कितने? 10 में से आपके 2 गए हैं, बचे कितने? 8। तो फर्स्ट यू हैव टू सेलेक्ट इट, कितने? 5 लेटर। क्यों? क्योंकि 2 फिक्स हुए हैं, बाकी के 5 नहीं। अब उनको अरेंज कर दो, खत्म कहानी, आपका आंसर आ जाएगा 6720। बस यही था करना, ये इसलिए नहीं रखा मैंने ऑप्शन, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत ही मजेदार सवाल चल रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़ लीजिए, बेसिक से एकदम मतलब एग्जाम लेवल तक के। अगला सवाल देखिए, ये सवाल देखिए मैंने आपको कराया हुआ है, याद करिए किस तरीके से कराया था। देर आर 25 पॉइंट्स ऑन अ प्लेन विच आर 7 विच 7 आर कोलिनियर, 7 आपके कोलिनियर है। कोलिनियर का मतलब एक ही लाइन में, यानी वो एक ही लाइन में पूरा। सॉल्व हाउ मेनी स्ट्रेट लाइंस कैन बी पॉसिबल, कितनी स्ट्रेट लाइन बन सकती है। इस तरीके का सवाल मैंने कराया है, उसे मैंने ट्राइंगल मान लिया था, जबकि यहां पे मैंने दोनों पुट अप कर दिए, सो डोंट वरी अबाउट इट। अब यहां पे समझो भाई, 25 लाइन है, 25 पॉइंट्स हैं, कौन से 25 पॉइंट है हमको नहीं पता, कौन से 25 पॉइंट है ये हमको नहीं पता, और ये कौन से 7 आपके कोलिनियर है ये हमको नहीं पता, बीच में 7 हैं, ये बने जा रहे हैं। अब हमें ये नहीं पता, जब हम लाइन चूज करते हैं तो हमें लाइन के लिए कितने पॉइंट चाहिए होते हैं? 2 पॉइंट चाहिए होते हैं। अगर ये 2 पॉइंट हमें लाइन के लिए मिल जाए तो हम लाइन बना देंगे। अब दिक्कत यहाँ पे क्या हो रही है कि आपको यहाँ पर पता ही नहीं है कि कौन से 7 कोलिनियर है। तो आप क्या करेंगे, आप मान लेंगे कि वो 7 भी नॉन कोलिनियर है, तो वो 7 आपस में कितनी लाइन बनाएंगे और ये 25 आपस में कितनी लाइन बनाएंगे, यानी अगर वो 7 कोलिनियर नहीं होते तो कितनी लाइन बनाते, हम उन सारी पॉसिबिलिटी को टोटल में से घटाते। तो हम यहाँ पे वही वाला काम कर रहे हैं, टोटल अरेंजमेंट माइनस ऑलवेज वाला, ठीक है, तो हमें नेवर वाला मिल जाएगा। क्यों? क्योंकि हमें कोलिनियर से एक ही लाइन मिलेगी।
तो यहाँ पे समझो, हम यहाँ पे मानेंगे कि 2500 के 2500 क्या है, आपके नॉन कोलिनियर है, ठीक है। तो यहाँ पर 25C2 इसलिए क्योंकि दो लाइन चाहिए। माइनस, अब भाई जाहिर सी बात है, पहले हमने पूरा मान के चले, फिर हम वो सात वाली जो कोलिनियर है उनकी, उनसे जो लाइंस बन रही होंगे वो घटाएंगे, क्योंकि वो लाइन नहीं बना के देंगे, तो वो घट गए। अब यहाँ पर होगा क्या, एक चीज और समझने की जरूरत है, क्योंकि वो सात लाइन नहीं बना के दे रहे हैं, वो खुद आपस में क्या है, एक लाइन है। तो जब वो खुद लाइन है तो जितनी लाइनें आपकी इसमें से बच के बनेंगी वो फाइनल में जाके उसमें ऐड होंगी और वो क्लियर एक ही लाइन होगी। तो यहाँ पे जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो 25 गुणे 24 बटे 2 माइनस 7 गुणे 6 बटे 2 प्लस 1, देखो ये 12, 12 पंजे 60, 12 दूनी 24, 300, 300 माइनस, एक मिनट, 12, जस्ट मिनट, मैंने कैलकुलेशन एरर कर दिया ना शायद, 25 24 बटे 2 यानी 12, 12 पंजे 60, ठीक है, 12 दूनी 24, 300, 300 हुआ, ठीक है। और यहाँ पे अच्छा हाँ सही तो चल रहा है, अरे यार 2 3 यानी 21 प्लस 1 यानी इसका मतलब है 20 जाएगा, यानी आंसर 280 आएगा। तो ये सवाल आपका था, बहुत ही मज़ेदार सवाल। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अब ये पूछ रहा है कितने ट्राइंगल बनेंगे, तो भाई सीधी सी बात है, हम अगेन वही काम करेंगे, ट्राइंगल के लिए आपको कितने पॉइंट चाहिए होते हैं, 3 पॉइंट चाहिए होते हैं। हम मानेंगे कि वो टोटल आपके कोलिनियर नहीं है, तो हम पहले हम सारी संभावनाएं निकाल लेंगे, फिर उसमें से वो कोलिनियर वाले की ट्राइंगल घटा देंगे, तो आपका आंसर आ जाएगा। आपका आंसर मेरे ख्याल से फर्स्ट वाला है, बस इसको सॉल्व करके आप इजीली निकाल सकते हो, ठीक है। अगला सवाल, अब देखो यहाँ पे ये भी सवाल अच्छा है, कह रहा है दारू, मिस्टर दारू वाला, दारू वाला नाम होता है, ठीक है, वो सही में दारू वाला नहीं, 18 एक्वेंटेंसेस ऑफ होम 13 आर रिलेटिव्स, 18 में से 13 रिलेटिव हैं उसके, ये ध्यान रखो, इन हाउ मेनी वेज ही कैन इनवाइट 10 गेस्ट, 10 गेस्ट को वो कितने तरीके से इनवाइट करे, ठीक है, कि 8 उसके क्या हो, रिलेटिव्स हो, 8 उसके रिलेटिव हो। तो सबसे पहली बात यहाँ पे समझो, 10 गेस्ट लाना है उसको, 10 गेस्ट लाना है जिसमें से 8 रिलेटिव है। अच्छा 8 रिलेटिव कसम खा ली है, तो इसका मतलब है हम सीधी बात बता रहे हैं, ये 13 में से पहले आप 8 तो निकाल लो, क्योंकि आपके वो 13 में भाई रिलेटिव में से रिलेटिव्स ही तो आएंगे और 8 रिलेटिव होंगे। अब एक बात बताओ, 18 में से 13 जा चुके हैं तो कितने बचे, 5C2, बस इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा, ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है, काफी बड़ा आएगा, मैं इसे सॉल्व नहीं कर रहा हूँ। अगला सवाल देखो ये आया, अब हैंडशेक वाला, कह रहा है एक मीटिंग में एवरीवन हैंडशेक्स हुआ विथ एवरीवन एल्स, इट वाज फाउंड दैट 66 हैंडशेक्स वर एक्सचेंज्ड, 66 हैंडशेक्स पॉसिबल हुए, ठीक है, हैंडशेक्स बता दिया, तो पूछ रहा है कि कितने लोग थे। बहुत आसान सवाल है, n n-1/2 यही था ना। अब देखो ये हो जाएगा n n-1=132, फॉर्मूला सिंपल है, ठीक है। अब आप खुद सोचो, 132 यहाँ पर है, तो इसका मतलब है 132 किसके साथ होता है, दो कॉन्जिक्यूटिव नंबर के साथ, 11 × 12, इसका मतलब है अगर n की वैल्यू आप 12 रखो तो यहाँ पर 11 आ जाएगा, 12 - 1 करके, तो इसका मतलब है कितने लोग थे, 12 persons were there, बात समझ में आई। तो इस तरीके से ऑप्शन का यूज करके भी कभी कभी करना रहता है। तो आई होप आप सभी को समझ में आया होगा जितने क्वेश्चंस मैंने कराए हैं। तो फ्रेंड्स अगर ये सेशन पसंद आया तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कर दीजिए, क्योंकि ये जितनी मेहनत हम कर रहे हैं सब आप ही के लिए कर रहे हैं, ठीक है। सब्सक्राइब कर लीजिए इस यूट्यूब चैनल को, क्योंकि ये बनाया आप ही के लिए गया है। आपके एग्जाम को देखते हुए हम लोग काफी मेहनत कर रहे हैं, ये चीज समझिए, इवन टेस्ट सीरीज लॉन्च करने के लिए हम जो मेहनत कर रहे हैं बहुत ज्यादा है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम उतनी मेहनत कर रहे हैं तो आपसे भी थोड़ा सा कंट्रीब्यूशन चाहते हैं। डेली हमारी क्लासेस होती हैं 7 बजे मैथ्स की और जीएस की 10 बजे सुबह, प्लीज डोंट मिस दोज क्लासेस, क्योंकि वो आप ही के लिए मेहनत करके हम लोग बना रहे हैं, ठीक है। सो ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, आप इस पर ज्वाइन कर सकते हैं, डीकोड एग्जाम डिफेंस के नाम से। देखिए अनलाइक मोटिवेशनल वीडियोज हम ये प्रेफर कर रहे हैं कि आपको कंटेंट प्रोवाइड करें ताकि आपके सारे डाउट्स क्लियर हों। आप कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हैं, ग्रुप पे जाके बता सकते हैं, सर हमें ये क्लासेस की ज़रूरत है, वी विल डेफिनेटली प्रोवाइड यू, ठीक है। सो टिल देन थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जब अगले क्लास में मिलेंगे तो कुछ और टॉपिक के साथ। थैंक यू।